आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो लगभग एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा टाइम आया हुआ है, यानी 10 बार से भी अधिक बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो स्पेशल सवाल देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और शुरुआत में एक सूचना देना चाहूँगा, जिन बच्चों का अभी तक मैथमेटिक्स बिल्कुल तैयार नहीं है, वो लोग मैथ में ज़ीरो हैं, मतलब तैयारी कर नहीं पाए हैं और परेशान हैं, कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने 100+ वीडियो बनाया है। तो अगर वो चाहते हैं कि 100 से अधिक वीडियो देख करके 70 से 80 नंबर के बीच में वो पा सकते हैं, तो हमसे संपर्क करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर आपको दे दिया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कीजिए। आपको मैं 100 से अधिक वीडियो दूंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा उसे देख करके तैयार करके आप 70 से 80 नंबर तक बिल्कुल ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो ये उनके लिए है जिनका अभी तक कुछ नहीं तैयार है, उनके लिए है। और जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस तरह से शॉर्टकट वाली वीडियो नहीं लेंगे, वो लोग अपना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं आज के सवाल पर, जो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है और आपको 6 नंबर दे के जाएगा यदि आपके एग्ज़ाम में आ गया। तो मैंने बोला था कि आपको अपना मोबाइल नंबर देने वाला हूँ, 7525 81 80 38। इस पर कमज़ोर छात्र संपर्क करेंगे 100+ वीडियो पाने के लिए। सवाल को मैं इधर लाता हूँ, सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया। 10 inverse x + 10 inverse y + 10 inverse z = π। तो सिद्ध करो मेरे भाई, x + y + z = xyz, ये सिद्ध करना है। कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। कहीं कहीं बच्चे 2xyz सिद्ध करते हैं, लेकिन 2xy नहीं, आपको यही सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे सिद्ध करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा तो इस नंबर पर संपर्क करके वीडियो ले लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी क्वालिटी देखोगे तभी ना मुझे कॉल करोगे। इतना बराबर दिया है पाई, तो सिद्ध करो मेरे भाई, इतना बराबर एक्स वाई जेड, ये सवाल है। अब करना कैसे है, देखो इसका फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो मैं इसी सवाल में उस फार्मूले को लिख रहा हूँ, स्टाइल में लिखूंगा, स्टाइल में बताऊंगा, आप याद कर लेना, ठीक। देखो 10 10 10, तो तुम भी लिख दो 10 inverse लिख दिया, x + y + z लिख दीजिए, x + y + z लिख दिया, माइनस, एक बार तीनों को जोड़ दो और एक बार तीनों को xyz करके घटा दो, यानी यहाँ गुणा रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, बटे में 1 माइनस, इन दोनों का एक साथ गुणा xy - इन दोनों का एक साथ गुणा yz - तीसरे का पहले का एक साथ गुणा zx बराबर क्या, पाई। क्या है, पाई, समझे मेरे भाई। अब देखो आगे कैसे करेंगे, 10 इनवर्स को हम दाहिने पक्ष में खदेड़ देंगे, ये जो 10 इनवर्स है दाहिने पक्ष में जब भगा देंगे आप, तो बच जाएगा ये वाला, केवल बच जाएगा ना, तो बचा लो, कुछ नहीं करना, केवल उतार देना है, जैसे लिखा है वैसे उतार देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतारने में। बोलो ये जेड एक्स है, यहाँ भी जेड है, ये दो मत समझिएगा, बराबर 10π। 10 कहाँ से आया, ये इधर से तुमने भगाया उधर, तो जब इधर का इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, इसके साथ ये सेट हो जाएगा 10π। 10π का मतलब 10 180, और 10 180 का मतलब 0 अंश, 10 180 का मान क्या होता है, 0 होता है ना, तो इसकी जगह पर अगली लाइन में हम क्या रखने जा रहे हैं, x + y + z - xyz / 1 - xy - yz। मैं कुछ कर नहीं रहा यार, यहाँ से केवल उतार रहा हूँ ये सब चीज़ें, -zx, तुम भी उतार देना। अब 10π का मान याद रखना कितना होता है, 0 होता है, 10π का मान कितना होता है, 0, और 0/1 करके जब तिरछी तिरछा गुणा करोगे तो क्या पाओगे, इतना का जब एक में गुणा होगा
तो इतना ही रह जाएगा। ऊपर वाला का एक में जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जैसे है वैसे क्या होगा, रह जाएगा, रह गया बराबर। जब नीचे वाले सभी का गुणा जीरो में करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कई बार नहीं लिखते हैं, एक बार लिखते हैं तो वो भी जीरो, 100 बार जीरो को लिखोगे तब भी जीरो। तो एक बार हमने जीरो लिख दिया, अब क्या है, माइनस एक्स वाई जेड उठा के दाहिने पक्ष में लाओ, तुरंत वहाँ पहुँच जाओगे। ये बाएँ पक्ष में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये माइनस एक्स वाई जेड दाहिने पक्ष में ले जाओ तो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड। आ गया ना ऊपर वाली लाइन, आ गया आंसर, आ गया। देखो कितना शानदार सवाल था, कितना शानदार था, मैंने अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छा ही समझाया होगा। आप मेरा पेट गला लो या न लो, फ़ोन करो या न करो, लेकिन एक सवाल जो मैं बताता हूँ ना YouTube पर फ्री में, उसे ज़रूर देख लिया करो। दूसरी चीज़, मैथ मंडी चैनल पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करो, उस पर जाके देखो, उस पर बहुत सारी चीज़ें पाओगे। मैथ मंडी चैनल को सर्च कीजिए, जाके देखिए, वहाँ भी आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है और यहाँ भी फ़ायदे वाली चीज़ है। और एक्स्ट्रा फ़ायदा लेने के लिए कॉल कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर, अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर सब यही है, इसी पर संपर्क कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं आगे, थैंक यू।